और मैं अपने शब्दों में अक्सर ये बात कहता हूँ पुखरा जी सर, कि ज़्यादा मूर्ख और ज़्यादा समझदार में कोई विशेष फर्क होता ही नहीं है, दोनों ही बराबर कैटेगरी में आते हैं। तो वो जो मेरे बहुत समझदार किसान होते हैं वो उस नए किसान को कोऑपरेट ही नहीं करते हैं। और तुम्हारे फार्म पे जाके कभी देख लो, जिस दिन वीडियो बनना उस दिन तो जानवर आ जाएंगे, उस दिन बाद में देखो तुम्हारे, अरे भाई साहब तुम तो गलती कर दी, अभी तो हमने गाड़ी भर दी। जो ऑनलाइन बिजनेस में डील नहीं करेगा, क्यों करें? ऑनलाइन एक बहुत बड़ा धोखा है। अच्छा, ये भी है यार, देखिए आप किसी जानवर की। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके राजब्लॉग में। दोस्तों आज हमारे साथ हैं सुकान जी चावला, काफ़ी अच्छे बकरी पालन के जानकार हैं और पहचान के तो मोहताज है नहीं, और फिर भी हम सर जी से जा पे पहचान। सर जी आप थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। सर जी सबसे पहले तो आपके तमाम व्यूवर्स को हमारा तहे दिल से जय हिंद, नमस्कार, उनको आदाब। बकरी पालन में जैसे हमने एक दशक पूरा किया है, लगभग दशक को पूरा किया हमने, उससे ज़्यादा हो गई। शुरुआत हमारी बहुत छोटे लेवल से हुई है, बहुत छोटे लेवल से। और जीवन की अगर शुरुआत की बात करें तो हमारा काफ़ी स्ट्रगल्स लाइफ टाइम रहा है। अभी मतलब यहाँ तक का जो स्ट्रगल रहा है वो काफ़ी लंबा है। तो ये एक छोटी सी जर्नी से आज ये है, और ये जर्नी यहाँ भी रुकेगी नहीं, इसका भी एक बहुत बड़ा लेवल पर हमें ले जाना है, लेकिन उसमें अल्लाह का रहमोकरम होना चाहिए, ठीक है, मालिक साथ दे और आपसी सहयोग और आपसी भाईचारे से जो चीज़ें बढ़ती है ना, जो उतना सहयोग मिलता है तब कहीं जाके एक अच्छे फार्म का निर्माण होता है। आपकी जानवर की क्वालिटी, आपके जानवर की खरीद और आपके जानवर का जो बेचना है, आपकी मार्केटिंग क्या कहती है, वो सही होनी चाहिए। सर हम देखते हैं, सर हम जाते हैं तो किसानों से जो बात करते हैं तो 80,000, 70,000, 60,000, 40,000 तक के जो बकरे हैं वो बताते हैं सर। तो एक 10-20 बकरी पालन करेगा तो शुरुआत में वो कैसे वो पालन कर सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में। बहुत अच्छा और जीवंत सवाल आपने पूछा है। किसी को किसी का दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है, हर एक यहाँ अपना दुश्मन बनाए बैठा है। औरत का दुश्मन कोई और नहीं है, औरत का दुश्मन खुद औरत होती है, इस बात का इतिहास उठा के आप देख लो। तो उसमें थोड़ा मैं सुन लो, इस बात क्लियर कर दूं मैं आपको। और किसान का दुश्मन कोई और नहीं है, किसान खुद है। किसान के पास एक किसान जाता है, उसके भाव बढ़ जाते हैं। अच्छा। और किसान के पास एक ट्रेडर पहुंचता है, उसके भाव घट जाते हैं। तो किसान का दुश्मन कौन हुआ? अच्छा, ये भाई इतिहास इस बात का गवाह है, मैं नहीं कह रहा हूँ ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल्स करके देख लो। मैंने पूछा इस बाबत तो उन्होंने कहा कि हम बकरे पालते हैं कम, और जैसे 50 बकरी होती है तो उसमें 5-6 बकरी टोप के हम छाटते हैं और उसको उसी हिसाब से हम पालन करते हैं, और हमारा जब जैसे खर्चा वगैरह देखे, उनका जो फीड का देखे, उनका चराने कराने का, उनका देखभाल का खर्चा देखे, तो वो मतलब एक ज़्यादा कीमत नहीं होती है, 60,000, 70,000, 80,000 भी कम कीमत नहीं होती है, मतलब बिल्कुल एवरेज कीमत है ये। देखिए समय के साथ कीमत बढ़ना अच्छी बात है। जी जी, समय के साथ बदलाव होना अच्छी बात है। जी सर जी, समझ गए। पर मैं एक बात कहता हूँ, मान लीजिए मैं एक अननोन पर्सन हूँ, सपोज कीजिए मैं एक बिल्कुल अननोन पर्सन हूँ, मैं बकरी की नहीं जानता, ABCD बिल्कुल नहीं जानता, और मैं कहता हूँ भाई किसान के पास जाता हूँ, तो मेरा जो यहाँ का किसान है, मेरे देश का बहुत ही समझदार किसान, कितना बहुत ही समझदार, और मैं अपने शब्दों में अक्सर ये बात कहता हूँ पुखरा जी सर, कि ज़्यादा मूर्ख और ज़्यादा समझदार में कोई विशेष फर्क होता ही नहीं है, दोनों ही बराबर कैटेगरी में आते हैं। तो वो जो मेरे बहुत समझदार किसान होते हैं वो उस नए किसान को कोऑपरेट ही नहीं करते हैं। ये चीज आपकी पॉइंट, ये देखिए अब अगर वो उसको कोऑपरेट करे तो मेरे देश के किसान की हालत बहुत अलग होगी। ये ट्रेडरों को जो बढ़ावा दिया ना, इसमें मैं आप खुद कहता हूँ उसमें असली योगदान ही किसानों का है। अगर किसान को योगदान देता, एक बात सुनिए, ये कुर्सी है, इसका मैन्युफैक्चर हब कौन है,
एक फैक्ट्री है, लोहे की आयरन है। मैन्युफैक्चरर मेरे जैसे एक अच्छे छोटे मैन्युफैक्चरर को चीज़ देता है महंगी, वो बनाना ही नहीं चाहता, और वो एक बहुत बड़ा ट्रेडर है। मान लीजिए ये 10 रुपये की चीज़ थी और मैं इसका 9 रुपये दे रहा हूँ, मुझे नहीं दे रहा वो, कितने का भी मैं एक होलसेल के तौर पे काम कर रहा हूँ, और एक बहुत बड़ा ट्रेडर है, बहुत बड़ा होलसेलर है, उसको वो 6 रुपये में दे रहा है, अपना 3 का नुकसान भी कर रहा है, कितना? ये चीज़ गौर करने लायक है सर, दैट द पॉइंट। कभी मैं क्या कह रहा हूँ, इस चीज़ को हर व्यक्ति एनालाइज नहीं करता है, बस सब कहते हैं भैया अपना काम हो गया ना यार। लोग यहाँ तमाशा देखते हैं, तमाशा देखने वाले क्या करते हैं, ताड़ी पीट सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। इससे नुकसान क्या होता है सर? नुकसान, जो व्यक्ति पहली बार किसी काम को शुरू करने जा रहा है, पहले नंबर तो उसका मोनोबल ही टूट गया। तो बकरी तो अच्छी मिल जाएगी ना? यार कहाँ मिलेगी, यही भी गलती कर रहे हैं। किसानों की बकरी तो बढ़िया है। अरे यार सारी बढ़िया है, बहुत बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है, नो डाउट। अब सपोज कीजिए एक किसान के बाड़े में 20 बकरी खड़ी है, कितनी बकरी, उसकी 5 बकरी आपका एनालाइज करो, उसकी 5 कितनी टॉप, उसमें 5 कितनी, 5 बकरी में एक बकरी जो खास होगी ना, वो तो देवता के नाम की पहले ही है राजस्थान में, उसको बेचनी नहीं है, वो देवता देवता कुछ नहीं है, एक बकरी तो वैसी डल गई, हो गई मना कि नहीं देनी भाई। अब अगला बंदा क्या करे भाई, भाई साहब या बोलिए छोरी को दे रखी है, अच्छा। 2 बकरी टाल दी, और या भाई मारी बकरी है को नहीं, मारी भाण छोड़ के गई है, तो मैं तो आना पाला, 3 बकरी तो वैसे ही डाल दी, ठीक है। और या भाई छोरा की बू की बकरी है, या भाई बू बेचने कौन दे, 3-4 कितनी टल गई, एक और टल जाएगी, एक बकरी उठा ले भैया हमारी ससुराल वाला दी है, पर तो 5 बकरी जो उसमें क्रीम है ना, वो तो उसके मना करने के 5 बहाने है, कितने बहाने, अब उसमें से 15 में से जो 15 खड़ी है, या 20 खड़ी है, या 10 खड़ी है, अब उसमें कचरा नहीं कोई टाल ले भाई। इसमें ये भी ट्रेडर भी कर सकता है ये काम, ये किसानों पे ही क्यों आप, ठीक है। अब भाई ट्रेडर की बात आती है, तो ट्रेडर वो तो को ये पता है कि इसको बकरी बेचनी है, वो तो सस्ती बकरी खरीद के लेके आएगा। सुनो ट्रेडर की क्या है, ट्रेडर क्या है, ट्रेडर जो हमेशा ट्रेडिंग करता रहता है, व्यापार करता रहता है, उसका नाम है ट्रेडर। पहले नाम तो ये पूछ लो कि ट्रेडर है क्या, लिख बोल तो देंगे हम ट्रेडिंग, भाई तुम काहे के ट्रेडिंग हो, मंडी से कचरा उठा के तुमने बेच दिया, वो ट्रेडिंग थोड़ी है। ट्रेडर का तो बहुत बड़ा शब्द है, ट्रेडर तो भाई साहब 24 घंटे बिजी रहता है, ट्रेडर को तो फुर्सत ही नहीं मिलती। और तुम्हारे फार्म पे जाके कभी देख लो, जिस दिन वीडियो बनना उस दिन तो जानवर आ जाएंगे, उस दिन बाद में देखो तुम्हारे, अरे भाई साहब तुम तो गलती कर दी, अभी तो हमने गाड़ी भर दी, गिनती की 4 बकरियां नहीं मिलती, तो दैट द पॉइंट। देखिए बात कड़वी है भाई, मैं ना कहूँ तो कोई ना कोई तो कहेगा, सुकान चावला ना कहे तो कोई और तो कहेगा, कड़वी बात है। अगर किसान, एक सामान्य किसान को जो नया बंदा इस फील्ड में आ रहा है, अगर उसको सही जानवर दे और सही रेट में दे, तो उसको ट्रेडरों के पास धक्के खाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, इसमें आप ये बताइए मुझे कि ये जिम्मेदारी ट्रेडर की और किसान की ही क्यों है? वो किसान की है, ट्रेडर की तो बात ही नहीं आती सर। ट्रेडर अगला बंदा खरीद रहा है, उसको क्यों ये नॉलेज नहीं होनी चाहिए? देखिए अब मान लीजिए मैं ट्रेडर हूँ, सपोज कीजिए मेरे पास 10 बकरी आई है, मुझे चराना ही नहीं उन बकरियों को, मैंने बकरी ली 10,000 की, मुझे ट्रेडर क्या करेगा, उसको 11-12 हज़ार में बेचनी है, उसको लाके तुरंत बेचनी, वो इस कान पकड़ता है और उस कान पकड़ के उसको देता है, उसको उसकी हिस्ट्री कोई मालूम नहीं है, ये लाइव स्टॉक है, ये कोई बर्तन की दुकान नहीं है, जो एक थाली खराब होगी दूसरी चेंज हो जाएगी, इस बकरी में क्या प्रॉब्लम है कौन बता सकता है ये बात? ये तो खुद जानकार किसान बताएगा जिसके पास बकरी पड़ी है। अच्छा अच्छा, दूसरा थोड़ी बताएगा। ट्रेडर को तो ये बकरी भाई सस्ती मिल गई, वो ले आया, पर वो सस्ती क्यों मिली उसको पता है इस बात में कमी है, लेकिन उसको देनी आ गई है, वो अपने गले में नमाज पहनाने जाता है, वो सॉरी बात है, वो कहते थे बोले नमाज पढ़ने गए थे रोजे गले पड़ गए, तो अपने गले में रोजे नहीं डालना चाहता। आई एक्चुअल बात समझ में आपको? अब किसान क्या करता है कि जब उसको चीज अच्छी देनी हो किसी को तो वो देता नहीं है, और अपनी मजबूरी में वो 1 रुपये की चीज ट्रेडर को 50 पैसे में दे देता उस टाइम। आई बात समझ में आपको? ट्रेडर क्या करता है, बल्क खरीदता है भाई, किसान में के बाड़े में कितनी बकरी है, 20 है,
बाजी आपने कितनी बेचनी? कि हमारे 10 की बिका हुआ 70 रुपए की जरूरत है। ला 10 ताल कर लिया उसने सौदा। नया जो किसान आया उसको कितनी की जरूरत है? एक बकरी की या दो बकरी की, वो उसको देता नहीं है। एक्चुअल जिस दिन हम ये समझने लग जाएं कि छोटी छोटी ईंटों से, छोटी छोटी ईंटों के जुड़ने से बहुत बड़ी इमारत का निर्माण होता है, अगर हम छोटे छोटे एक एक दो दो बकरी लेने वाले किसानों पे ध्यान दे देंगे ना, तो यही देश के संपन्न किसान हो जाएंगे। यार मैं भी तो किसान ही हूँ, मैंने आज तक, पुखराजी आप रियल बताइए, आप मेरे कितने साल से वीडियो बना रहे हैं या मैं कितने साल से यूट्यूब पे, मैंने कभी किसी जानवर को आज तक बेचने का वीडियो बनाया? आप नोट कीजिए इस बात को, क्या हमने कभी कहा ये हमारा बकरा बिकाऊ है? क्या हमने कभी ये कहा कि हमारी बकरी बिकाऊ है? जिसको लेना होगा वो एक ले चाहे वो 10 ले, वो प्रैक्टिकल आके देखे। ये पहला इंडिया का, मैं आज मैं इस बात को चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, ये इंडिया का पहला ऐसा फार्म होगा जो ऑनलाइन बिजनेस में डील नहीं करेगा। क्यों करें? ऑनलाइन एक बहुत बड़ा धोखा है। अच्छा ये भी है यार, देखिए आप किसी जानवर की जूम करके वीडियो बना रहे हो, हमने वीडियो पे अच्छा जानवर देखा, वहां जहां प्रैक्टिकल देखेंगे वो जानवर टाई टाई फिश, ये क्या है? धोखा नहीं है तो क्या है? अच्छा कैमरे की कलाकारी बता रहे हो यार, क्या बात करते हो आप हैं? जानवर को इतना सुंदर दिखा दिया जाता है और ये लोग समझ लें हर सुंदर चीज धोखा है, ये भी समझ लें लोग। मतलब जो रियल जो है प्रैक्टिकल देखें भाई, आप बकरी पालन देखिए, दैट इज लाइफ स्टॉक बिजनेस, तो टाइम तो निकालना पड़ेगा, ये लाइफ स्टॉक बिजनेस है ना। आपको एक बकरी पालनी है, दो बकरी पालनी है, पांच बकरी पालनी है, आप डायरेक्ट मिलो किसी बंदे से, मिलो सुकान चावला को, जरूरी थोड़ी है सुकान चावला की ऐसी की तैसी यार, इससे बुरा शब्द मैं क्या बोलूं? मतलब मैं अपने बारे में कह दूं ना, भी सुकान चावला के पास को जरूर थोड़ी है, आप पता नहीं कितने हजारों सुकान चावला होंगे, अच्छे किसान होंगे, आप उनसे मिलिए, उनके घर पे जाइए, चाय पानी पिए, उनको आपको आपको मान सम्मान मिलेगा और आप उनसे बात कीजिए और फिर आप अच्छा जानवर खरीदो। ये से एक्सपीरियंस सर, मैं बात एक बात कहनी पड़ेगी, ये माननी पड़ेगी, आपने जितने सर इस फील्ड के अंदर आपने टूर किए हैं शायद कोई किसी ने किया होगा, और कितनी लगन आपने है इसके। तो भाई साहब वो कहते हैं ना कि घर ठगाया ठाकर बाजे, न्यू ठाकर को नहीं बाजे, बाकी पुरानी कहावतन मारवाड़ में बिल्कुल कब बजते हैं? बादाम खाने से अक्कल आई है क्या? ठोकरे खाई है हमने बिल्कुल, रात के ढाई ढाई तीन तीन बजे उठ के ना गए हैं हम लोगों के पास, हर व्यक्ति से हर किसान के ना हमने पांव पकड़े हैं कि बाजी ये ज्ञान दे कहां से आएगा, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया तब कहीं जाके मिले। और लोग आज चार बकरी लाते हैं और वो भाई साहब बन जाते हैं इस बकरी लाइन के राजा महाराजा, शहंशाह बन गए, क्या है उनके पास। और हम आज अभी अपने ये कहते हैं पुखरा जी कि वी आर द नॉलेज ऑफ गोट फार्मिंग इंडस्ट्री ओनली 0.00%। कहाँ है नॉलेज? इस जितनी ब्रह्मांड में बकरी पालन हुआ ना उसमें अगर हमारी तुलना करो तो ये मिट्टी का एक कण में भी नहीं है। लोगों ने इतने इतने साल बकरी पाली है, इतने इतने उनके अचीवमेंट है, ठीक है आज वो कैमरे के सामने नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन उनकी जो इलाज है, उनके जो घरेलू नुस्खे हैं, उनके जो इलाज करने के तरीके थे, उनका जो ज्ञान था, वो कहीं ना कहीं तो आपको लेना पड़ेगा। इसमें जो टाइम देगा उसका, और ये बहुत अलग चीज़ है सर पुखरा जी, ये जो लाइफ स्टॉक बिजनेस है ना फार्मिंग का, इसमें जब खुद आदमी पछता है ना तो तब कहीं वो जाके जसता है, और वो दूसरों के भरोसे है ना। भगत सिंह ने कहा है, भगत सिंह ने कहा, मैंने नहीं कहा, बहुत अच्छे वाक्य में कहा है कि जिम्मेदारियां हमेशा अपने कंधों पे उठाई जाती है और दूसरों के कंधों पे हमेशा जनाजे उठे हैं और वो उठते हैं फिर।